हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूँ सिविल गुरु जी प्लेयर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग साइट पर एक आए हुए हैं और हमारे इंजीनियर्स लोगों का यहाँ पर साइट विजिट था। तो साइट विजिट में आप खुद देखिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखते हैं यहाँ पर, किस तरीके की बातें करते हैं, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्टली जब हम कभी भी साइट पर आएंगे ना, तो हमको मतलब खुद से काम करवाना है। तो हम जो मटेरियल होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो सैंड हो या फिर इस तरीके से बिखरा हुआ है, नीचे मिट्टी है, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंड होगा वेस्ट होगा। और दूसरी चीज़ होगा कि इसके अंदर जो मिट्टी वाले पार्ट है वो भी आ सकते हैं। तो हमको इसको प्रॉपर तिरपाल के नीचे रखना है ना, इसके नीचे तिरपाल रख करके उसके ऊपर मटेरियल को स्टोर करना है। उधर कोर्स एक गेट पड़ा हुआ है, पहले हमको क्या करना रहता है, साइड को क्लीन करना पड़ता है। साइड को क्लीन करने का फायदा यही है कि जो हम मटेरियल यूज करने वाले हैं उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं आएगी और हमारा जो मटेरियल रहेगा सब तरीके से प्योर रहेगा। और वेस्टेज को भी हम इसी तरीके से कम करना है, क्योंकि साइडों को तो हम अपना कॉन्सेप्ट ये करके चलते हैं 0% वेस्टेज, ठीक है। अगर हम टारगेट 0 ना रखेंगे तो मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज को करेंगे। और इसके लिए आपकी क्लासेस भी चलेंगी, जब बिलिंग पढ़ाओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होता है रिकंसिलेशन, ठीक है। रिकंसिलेशन हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल आया हुआ है और वो जो यूज़ हो रहा है सही बराबर प्रपोर्शन में है कि नहीं है, मटेरियल चोरी तो नहीं ना हो गया है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब जैसे ना, अब मटेरियल को जब हम देख रहे हैं तो इसके ना क्लोथिंग कैसे चेक करेंगे, उसकी कुछ टेस्टिंग होगी, उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है तो सैंड में मेनली टाइप के टेस्ट फिजिकली, यानी साइड पर अगर आएगा तो आप इसको देख करके परख करके और इसका सील कंटेंट फाइंड करके पता करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सैंड जो होगा ना, इसके अंदर या तो सील कंटेंट होगा, सील कंटेंट का मतलब होता है धूल के कण। जब धूल होगा उसके अंदर तो जो सीमेंट है ना उसके साथ बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बना पाएगा। और वो जो होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारे बिल्डर लोग काम कर लेते हैं उसमें प्लास्टरिंग करने के बाद, जब 1 साल 2 साल 3 साल जैसे ही होता है और बस कुहनी भी लग जाती है तो भर भर करके गिरने लग जाता है ना। तो वो क्या कैसे रहता है, उसमें फील कंटेंट हो सकता है ज़्यादा और वो मटेरियल सस्ता भी मिलता है, तो उसे जो है बस ऐसे यूज़ कर लेते। तो हमको इसका फील कंटेंट फाइंड करना है। फील कंटेंट फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है कि 75 माइक्रोन की सील होती है, ठीक है। अब उसमें से कुछ सैंपल हम ले लेंगे बाहर से, उस सैंपल को हमको ओवन में रख देना है। जैसे कि 100 ग्राम 200 ग्राम हमने सैंपल ले लिया यहाँ पर और उसको ओवन में रख दिया। ओवन क्या होता है, एक भट्टी होती है जिसके अंदर टेम्परेचर आप घटा बढ़ा सकते हो, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जिसमें से उसकी जो मॉइस्चर होगी पूरे पूरे निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसको जो है बस जब हमने 200 ग्राम मान लो हमने सैन लिया, जो उसको हमने ओवन में रख दिया तो उसका एक ड्राई वेट आ रहा होगा, तो वो एक्चुअल वेट है। अब उस एक्चुअल वेट वाला जो सैंड है उसको 75 माइक्रोन की सीव पर रखेंगे और फिर पानी से धुलाई कर देंगे। तो 75 माइक्रोन के नीचे के जितने पार्टिकल होंगे सब पानी के साथ धुल करके बाहर निकल जाएंगे। अब उस चीज़ को जो है जो पूरा पूरा अच्छे से धुल गया है उस चीज़ को हम फिर से ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने से फिर ड्राई हो जाएगा, तो जो वेट लॉस होगा मतलब पहला इनिशियल वेट हो गया और धुलने के बाद जो वेट आया उसमें डिफरेंस अपार में जो हमारा ओरिजिनल ड्राई वेट था करोगे तो परसेंटेज निकलेगा, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के मिट्टी की लंप्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सील कंटेंट 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दूसरा होता है बल्किंग ऑफ सैंड। हमारे सैंड का नेचर ही होता है कि उसके अंदर जब 5-10% मॉइस्चर आएगा ना तो उसका जो वॉल्यूम है 20-40% बढ़ जाता है। अब 20-40% बढ़ने से क्या नुकसान होगा, जब आपको मेजरमेंट लेना होगा, जैसे कि M25 मान लो यूज़ कर रहे हो कोई रेशी हो या M20, तो कोई M20 का मुझे रेशियो बताओ। M20 का 1:3:6 ना, कुछ लोग मुझे 1-2-4 बोलते हुए सुने, मतलब मैं सुना हूँ M50 का भाई। ये सब सारी चीज़ें जो ग्रेड होता है ना, रटा होना चाहिए यार। 1-1.5 तो नॉर्मल की बात है। अब जैसे कि एक उसमें क्या है सीमेंट है और 1.5 क्या है सैंड है और 3 क्या है कोसिंग रेट है। तो अगर 1.5 तगारी मुझे लेना था, अभी इसका तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है बल्किंग ऑफ सैंड के वजह से, तो वो जो हमने 1.5 तगारी लिया क्या एक्चुअल में 1.5 तगारी है, नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर कंपोजिशन में दिक्कत आ जाएगा,
हमको इसका बल्कि आप सेम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बल्कि सेम के एक ऐसा जार ले लेंगे, 100 cc का ले सकते हैं, 200 cc का ले सकते हैं, उसमें मात्रा में सेंड हमने फिल कर दिया, अब उसमें जो है पानी पूरा भर देंगे उसको, तो देखो उसका जो सेंड होता है उसका फिनोमिना होता है, जब सेचुरेटेड कंडीशन में होगा, सेचुरेटेड मतलब जब नदी तालाब के किनारे आप जाते हो और चलते हो तो क्या पैर धंसता है वहाँ पर, नहीं धंसता है ना, क्योंकि वो सेचुरेटेड कंडीशन में रहता है, और जब अगर वो ड्राई है एकदम, अगर उसमें चलोगे तो चलना मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर सेचुरेटेड है यानी वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में, यानी जब नदी निकलता है तो उस समय अपने ओरिजिनल कंडीशन में रहता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगता है 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा टाइम लग रहा है, उसमें क्या होगा व्हीकल के चलने से जो वाटर होगा नीचे सीपेज हो जाएगा या तो ड्रेन आउट हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, तो कुछ 5-10% जो मॉइस्चर रहेगा इसमें ना, उसका वॉल्यूम अपने आप ही इंक्रीज जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। अब उस समय क्या लोग करते हैं कि ऊपर से 150 cc 200 cc मटेरियल ही निकाल दिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है, अब 100-200 cc जब निकाल दिए अब आपके साइड पर आया तो जो हमने ऑर्डर दिया था आपको लगेगा कि उतने ही है, लेकिन क्या था उसके अंदर मैकेनिज्म वो फूला हुआ है, जब फूला हुआ है तो जब आप साइड पर यूज़ करोगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, कंपोजिशन में वेरिएशन आ जाएगा कि प्रोपोर्शन आप मिला रहे हैं, बल्किंग ऑफ सैंड हो गया। और तीसरा होता है सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस से पता चलता है ग्रेडिंग के बारे में। अब ग्रेडिंग क्या होता है, तो कोई भी जो मटेरियल होता है उसमें एक साइज के पार्टिकल नहीं होने चाहिए, सारे साइज के पार्टिकल वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, एक जोन सेकेंड थर्ड ग्रेड जोन तो होते हैं ऐसे सैन, तो जनरली हम प्लास्टर या कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो जोन 3 का यूज़ करते हैं, तो जोन 3 का सैन है कि नहीं है, और वैसे भी अब साइड पर जब काम करवाने आप लग जाओगे तो देखने देखने से पता लग जाता है ना कि किस मोटा बालू है, महीन बालू है, सबसे महीन बालू है, ठीक है, तो कंक्रीटिंग वाल के लिए हम जो मोटा बालू यूज करते हैं ना, जो प्लास्टर वर्क होगा उसके महीन बालू का यूज करेंगे, और जो मशीनरी वर्क करना उसके मीडियम सैंड का यूज करेंगे, क्लियर है, तो ये 3 टेस्टिंग होंगे सैंड के बारे में। और ऐसे ही जब आप खुद साइड पर रहोगे तो इसके बारे में मतलब हर मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में पॉइंट चलते रहना चाहिए ना, किस हिसाब से इसका क्वालिटी टेस्ट होगा, किस हिसाब से ब्रिक का क्वालिटी टेस्ट होगा, किस हिसाब से कौन से ब्रिक का होगा, तो पहला ये होगा। अब जैसे दूसरा यहाँ पर रखा हुआ सरिया, सरिया किस ग्रेड का है ये फाइंड करने के लिए आपके पास इनवाइस आता है, जो ये सरिया आएगा आपके पास ना इसका पूरा रिपोर्ट आएगा कि किस ग्रेड का सरिया है, और जो स्लीप आया है तो जो प्रेजेंट साइज पर आपके सरिया तो उसको मैच कर लेना भैया, अगर FT415 का मंगाया हो तो FT415 यहाँ पर लिखा होगा, और जैसे यहाँ पर आपको मोटी मोटा से 25 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, यानी ये 25 mm की सरिया है, ठीक है, और किस डाया की सरिया, किस ग्रेड की सरिया यूज करनी है ये आपको ड्राइंग में मेंशन रहेगा, ये स्ट्रक्चरल डिजाइनर का काम होता है। और यहाँ पर अब देखो थोड़ा डिटेल में, यहाँ पर लिखा है SD, ये टाटा टिस्को का है बार है ये ना, टाटा कंपनी का है, और यहाँ पर SD लिखा है यानी सुपर डक्टाइल, इसमें भी ग्रेड होते हैं ना, ये होगा देखो 500D मतलब वो डक्टाइल भी शो करेगा, और SD मतलब सुपर डक्टाइल है वो, हाँ, और इस पर जो रहेगा ISI मार्क भी होना चाहिए इस सरिया के ऊपर, तो इस पूरी लेंथ में देखोगे तो एक ISI मार्क भी होगा ना, ISI मार्क होगा इस सरिया के ऊपर, ठीक है, और देखो यहाँ पर ना